हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ कवर करने वाली हूँ। ये करंट वीडियो सेशन में मैं आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो यूज होती है ट्री डेटा स्ट्रक्चर के लिए, मेनली उस पे मैं इस वीडियो सेशन पे फोकस करने वाली हूँ। तो कंटेंट को जाने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल रिंगिंग रखिए, क्योंकि रिंगिंग बेल आपको नए वीडियोज के नोटिफिकेशन देता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए। तो ये डायग्राम आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर देगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, जिसपे से मैं इस ट्री, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्री डेटा स्ट्रक्चर है जो कि नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसपे से मैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे यहाँ पे फोकस करने वाली हूँ। अगर आपको इन सारी चीजों में जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर पे एक लिंक फ्लैश कर रही हूँ जो आपको नेविगेट करेगा इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स वाला वीडियो पे। सो आप अगर आपको ये पता नहीं है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, क्या होते हैं, तो आप मेरे उस वीडियो पे जाके पहले वो देख लीजिए, पढ़ लीजिए और उसके बाद मेरे इस वीडियो को रिज्यूम कीजिए। तो चलो अब हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो अनलाइक ऑफ एरेज, लिंक लिस्ट एंड स्टैक और क्यू, जो कि आपके सब है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, वो उसके जैसा नहीं है। अनलाइक ऑफ एरेज, लिंक लिस्ट एंड स्टैक एंड क्यू, तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर भी हम बोलते हैं। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो कि हायरार्किकल डेटा अगर हमें स्टोर करना है तो उस मेन पर्पस के लिए ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। अगर हमारे पास हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत होती है नोड्स की, और नोड्स वो एक दूसरे से जिसके साथ कनेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं एजेस। तो वो ये सारी चीजें क्या होती है, तो नोड, एजेस और द ट्री टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, मैं इस नेक्स्ट स्लाइड पे अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने दी हुई है, ये सारी चीजें मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये हो गया आपका ट्री, जो कि हायरार्किकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि यहाँ पे रूट है, डिफरेंट लेवल्स है, सिबलिंग्स है, लीफ नोड है, सब ट्री है, पेरेंट नोड है, चाइल्ड नोड है, ये सारे क्या होते हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको यही सेम डायग्राम देख के आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहला टर्म है रूट नोड। यहाँ पे इस डायग्राम में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वाला है रूट नोड। तो रूट नोड जो होता है वो सबसे पहला नोड होता है, फर्स्ट नोड होता है, टॉप मोस्ट नोड होता है आपके ट्री में का, जो कि यूनिक होता है। हर एक ट्री में एक ही रूट नोड होता है। तो यहाँ पे मैंने वही सारी चीजें लिखी है कि जो सबसे टॉप में है उसको हम रूट नोड बोलते हैं, और यहाँ पे सिंगल रूट नोड पर ट्री होता है, और हर एक नोड को ट्रैवर्स करने के लिए रूट नोड से सिर्फ एक ही पाथ होता है। तो जब मैं पाथ ये टर्म एक्सप्लेन करूंगी तो मैं ये सारी चीजें डिटेल में आपको बताऊंगी। तो अभी आपको सिर्फ यही याद रखना है कि हर एक ट्री के लिए सिंगल रूट नोड होता है, जो कि टॉप मोस्ट नोड होता है आपके ट्री का। जो सबसे पहला नोड आप इंसर्ट करते हो ट्री में तो वही आपका रूट नोड बन जाता है। अभी नेक्स्ट टर्म है पेरेंट नोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी को मैंने पेरेंट नोड करके बताया है। तो पेरेंट नोड क्या होता है, तो जो नोड, जिस नोड को एक ऊपर जाने वाली एज होती है और नीचे उसके चाइल्ड नोड को जाने वाले एजेस होते हैं,
उसको हम पैरेंट नोड बोलते हैं। तो अगर ऊपर जाने वाली नोड कंपलसरी है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बी ये भी एक रूट सॉरी पैरेंट नोड है, क्योंकि बी से ऊपर एक जाने वाली एज है और उसके दो नीचे चाइल्ड नोड भी है, दो नीचे डाउनवर्ड एजेस भी है, तो बी हो गया हमारा पैरेंट नोड। क्या एच हमारा पैरेंट नोड है? नहीं, क्योंकि एच के लिए सिर्फ ऊपर वाली एज है, डाउन एजेस यहाँ पे नहीं है, तो एच तो पैरेंट नोड नहीं हो सकता है। ई हाँ, ई हमारा पैरेंट नोड हो सकता है क्योंकि ई के लिए ऊपर वाली एज है पर नीचे वाले एजेस में से एक एज यहाँ पे अवेलेबल है जो कि सफिशियंट है, तो ई भी हमारा हो गया पैरेंट नोड। तो चलो देखते हैं ए के लिए क्या है। ए के लिए डाउनवर्ड एजेस तो है पर अपवर्ड एज नहीं है क्योंकि ये रूट नोड है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर अपवर्ड वाली एज हम कंपल्शन रखते हैं तो ए हमारा कभी भी पैरेंट नोड नहीं हो सकता है क्योंकि ये रूट नोड है। रूट नोड के लिए अपवर्ड एज कभी भी नहीं होती है। तो ये हो गए पैरेंट नोड। अगला वाला टर्म है चाइल्ड नोड। तो चाइल्ड नोड क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट टू द पैरेंट नोड। पैरेंट नोड मैंने क्या बोला था कि उसके लिए अपवर्ड एक एज होनी चाहिए और डाउनवर्ड दो मोर देन वन और मोर देन वन एजेस होती है। तो चाइल्ड नोड के लिए क्या होता है? अपवर्ड के लिए उसके पैरेंट के पास जाने वाली एज होनी चाहिए, उसे डाउनवर्ड एज का कोई कंपल्शन नहीं है। तो यहाँ पे द नोड बिलो गिवन द पैरेंट नोड, पैरेंट नोड के नीचे जो कुछ कनेक्टेड एजेस पे जो नोड है वो सारे उसके चाइल्ड नोड होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डी अगर पैरेंट नोड है तो एच उसका चाइल्ड नोड है, ई भी उसका चाइल्ड नोड है, अगर सॉरी आई भी उसका चाइल्ड नोड है, अगर आप ई पैरेंट नोड बोलते हो तो जे उसका चाइल्ड नोड है, अगर आप सी पैरेंट नोड बोलते हो तो एफ एंड जी उसके चाइल्ड नोड अवेलेबल है। अगला टर्म है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्या होते हैं? आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेम पैरेंट के जितने सारे चाइल्ड नोड होते हैं उन सभी को हम सिबलिंग बोलते हैं। तो सी अगर पैरेंट है उसके दो चाइल्ड नोड से एफ एंड जी, तो एफ एंड जी दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के सिबलिंग्स हो गए। बी और सी भी दोनों एक दूसरे के सिबलिंग हो गए अगर हम ए को पैरेंट नोड मानते हैं। डी एंड ई भी सिबलिंग है बी के, बी पैरेंट नोड के, वो दोनों चाइल्ड नोड है। आप हमेशा देख सकते हो कि जो सिबलिंग होते हैं वो सेम लेवल पे होते हैं। अभी आपको लेवल क्या है मैं अगले स्लाइड में बताने वाली हूँ। अब तक सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि जो कुछ सिबलिंग होते हैं वो सारे सिबलिंग एक सेम लेवल पे होते हैं। अब अगला वाला हम टर्म देखते हैं कि लीफ नोड। लीफ नोड क्या होता है? लीफ नोड वो नोड होते हैं जिनको कोई भी चाइल्ड नोड अवेलेबल नहीं है, मतलब कि वो हमेशा के लिए उस नोड को अगर कोई चाइल्ड नोड नहीं है तो उसे हम लीफ नोड बोलते हैं। यहाँ पे आप एफ देख सकते हो, एफ जो है वो लीफ नोड है क्योंकि उसको कोई चाइल्ड नोड नहीं है। जी भी लीफ नोड है। क्या ई लीफ नोड है? नो, ई इज नॉट अ लीफ नोड क्योंकि ई को जे नाम का चाइल्ड नोड है। तो क्या जे चाइल्ड नोड सॉरी लीफ नोड है? हाँ, क्योंकि जे को कोई लीफ नोड सॉरी चाइल्ड नोड नहीं है इसलिए जे हमारा लीफ नोड है। तो यहाँ पे आप एक कंसेप्ट हमेशा के लिए ध्यान में रखना है कि पैरेंट नोड कभी भी लीफ नोड नहीं हो सकते, क्योंकि हमेशा पैरेंट वो क्यों है? क्योंकि उनके चाइल्ड नोड्स हैं, और अगर चाइल्ड नोड है तो वो लीफ नोड नहीं हो सकता है। पर चाइल्ड नोड जो है वो लीफ नोड हो सकते हैं क्योंकि कभी कभी चाइल्ड नोड्स को उसके खुद के चाइल्ड नहीं होते हैं इसलिए वो लीफ नोड बन जाते हैं। अभी आप देख सकते हो कि डी ये जो है वो चाइल्ड नोड है पैरेंट बी का। क्या ये लीफ नोड है? नहीं, क्योंकि उसके खुद के चाइल्ड नोड है। पर एच जो है वो चाइल्ड नोड है डी पैरेंट नोड का, पर उसके खुद के चाइल्ड नोड नहीं है इसलिए एच जो है वो लीफ नोड हो गया है। तो क्या ध्यान में रखना है कि कभी भी पैरेंट नोड जो है वो पैरेंट नोड कभी भी लीफ नोड नहीं होते हैं क्योंकि वो पैरेंट है। पैरेंट वो क्यों है? क्योंकि उसके खुद के चाइल्ड नोड है, और अगर उसको चाइल्ड है तो वो लीफ नोड कभी भी नहीं हो सकता है। पर चाइल्ड नोड जो है वो कभी कभी लीफ नोड हो सकता है क्योंकि वो कंपल्शन नहीं है कि चाइल्ड नोड को उसके हमेशा चाइल्ड उसके खुद के चाइल्ड नोड हो।
तो अगर चाइल्ड नोड को खुद के चाइल्ड नहीं है तो वो लीफ नोड हो सकता है। अगला वाला टर्म है सब ट्री। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है वो सब ट्री है, क्योंकि वो हर खुद एक पेरेंट है और उसके दो चाइल्ड नोड है। तो इस सब ट्री में डी खुद रूट नोड बन जाता है और ये उसके चाइल्ड नोड एच एंड आई है। अभी आप देख सकते हो, अगर मैं ये वाला इतना वाला ट्री कंसिडर कर रही हूँ तो इतने वाले ट्री में बी मेरा रूट नोड बन जाएगा और ये हो गया उसका सब ट्री। यहाँ पे सब ट्री का डेफिनेशन क्या है? सब ट्री रिप्रेजेंट्स द डिसेंडेंट ऑफ अ नोड। तो अगर मैं बी कंसिडर करती हूँ तो उसके सारे डिसेंडेंट कंसिडर करके क्लब करके ये हो जाता है उसका सब ट्री। तो इन दिस वे हम सब ट्री भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला वाला टर्म है वही सेम ट्री के साथ, टर्म है आपका लेवल्स। तो लेवल्स क्या होता है? लेवल्स जैसे कि अब अगर आप आपका फैमिली ट्री देखते हो तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे होते हैं, तो उनका हो गया जनरेशन जीरो। आपके पेरेंट्स उसकी नेक्स्ट लेवल पे होते हैं, वो हो गया आपका जनरेशन वन, और ये हो गई आपकी लेवल और आपका जनरेशन विच इज जनरेशन टू। इन द सेम वे इस ट्री में भी हर एक जनरेशन अलग अलग लेवल पे होती है, उसे ही हम लेवल बोलते हैं। तो जो हमारा रूट नोड होता है वो मान लो कि लेवल जीरो पे है, तो उसके चाइल्ड नोड जो होते हैं वो अगले लेवल पे होते हैं, दैट इज लेवल वन। उसके नेक्स्ट जनरेशन वो हो जाते हैं लेवल टू एंड सो ऑन, एक एक लेवल उसमें बढ़ती जाती है। अब आप देख सकते हो कि जैसे मैंने बोला था कि सारे सिबलिंग सेम लेवल पे होते हैं, क्योंकि वो एक जनरेशन से होते हैं इसलिए उनकी लेवल सेम हो जाती है। अगला वाला टर्म है पाथ। पाथ मैंने आपको ये टर्म जब मैंने रूट नोड एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने पाथ टर्म का वहां पे कंसर्न लिया था। तो पाथ जो होता है कि अगर मुझे समझो, मान लो कि ए रूट से रूट सॉरी नोड जे तक मुझे ट्रैवर्स करना है, तो उसका पाथ हो गया ए से बी तक, बी से ई तक, ई से जे तक, ये हो गया उसका पाथ। तो ये सारा मुझे पाथ कवर करते टाइम उसे जो कि नोड बीच में आते हैं वो अगर उसे हम बोलते हैं विजिटिंग नोड्स। तो ये चेक करने के लिए हम यूज करते हैं कि क्या मैंने वो नोड विजिट किया है या नहीं। मतलब कि मुझे ए से जे तक जाना है तो ए से स्टार्ट करना है, तो ए से बी तक जाने के लिए मेरे विजिटिंग नोड हो गए ए एंड बी, बी से ई तक जाने के लिए मेरे विजिटिंग नोड हो गए बी एंड ई, ई से जे तक जाने के लिए मेरे विजिटिंग नोड हो गए ई एंड जे। सो मैं ए से जे तक बी एंड ई को विजिट करते करते जे तक मैं यहाँ पे आई हूँ, और इसी को हम ट्रैवर्सिंग भी बोलते हैं। अगला वाला टर्म है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग इसका मतलब है जिस जिन नोड से हम गुजरने वाले हैं उन उस पाथ को हम ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। तो ए से जे तक ट्रैवल होने के लिए मैं बी और ई इन नोड्स के साथ और इन नोड्स के वहां से मैं गुजर रही हूं, तो ये हो गया मेरा ट्रैवर्सिंग। और लास्ट वाला टर्म है की, जो कि हम हमेशा जब हमें सर्चिंग ऑपरेशन यूज करना होता है तो कोई भी वैल्यू अगर हमें सर्च करनी है तो उसके लिए हम की टर्म यूज करते हैं। तो ये हो गए सारे आपके इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि आपको ट्री को समझने से पहले आपको पता होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं कि हमें क्यों ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर हमें क्यों पढ़ना है, हमारी सिलेबस में वो क्यों है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला रीजन है, जहां तक कि हमारे इंफॉर्मेशन स्टोरेज का सवाल है, अगर हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है हायरार्किकली तो हमारे पास ट्री सबसे बेटर सॉल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फाइल सिस्टम एक्सप्लेन करनी है आपके कंप्यूटर की, तो उसके लिए आपके पास ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो है वो सबसे बढ़िया डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके साथ आपका फाइल सिस्टम सबसे अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फाइल सिस्टम। तो जहां तक कि हायरार्किकल डेटा का सवाल है, आप ट्री प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट है, अगर आपको डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं जैसे कि एक्सेसिंग ऑफ डेटा और सर्चिंग ऑफ एनी ऑन अदर एनी ऑफ द की
फ्रॉम योर गिवन डेटा सेट. सो उसके लिए भी आपको, आपके पास BST मतलब बाइनरी सर्च ट्री. बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है वो डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो सीरीज में. जैसे हम वहां तक जाएंगे मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, पर अब तक सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्सेसिंग और सर्चिंग एनी ऑफ द की, उसके लिए ट्री सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है. और अगर हमें इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है तो उसके लिए भी ट्री जो है हमें मॉडरेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. और लास्ट वाला यूज है कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके लिए कोई अपर लिमिट नहीं होता है. जैसे कि आपको पता है लाइक लिंक लिस्ट को भी कोई अपर लिमिट नहीं होता है, वैसे ही अगर ट्री डेटा स्ट्रक्चर है उसके लिए भी कोई अपर लिमिट नहीं होता है. आप लोग जितना चाहो उतने एलिमेंट वहां पे स्टोर कर सकते हो, जहां तक कि आपकी मेमोरी, आपके कंप्यूटर की मेमोरी आपको परमिट करती है. जैसे कि आप देख सकते हो कि अरेज के लिए, अरेज जो है वो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए हमें मेमोरी पहले ही डिफाइन करनी पड़ती है, तो अरेज के लिए अपर लिमिट कंपलसरी होता है. तो वैसे हमारे ट्री डेटा स्ट्रक्चर के लिए कोई अपर लिमिट नहीं होता है. तो ऐसे टाइप का अगर सिचुएशन हो तब भी हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सोच सकते हैं. अभी अगला वाला स्लाइड आपको बताएगा कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर के साथ हम कौन कौन से एप्लीकेशंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले फिर से मैं फोकस करूंगी, अगर हायरार्किकल डेटा हमें फॉर्म करना है और फॉर्मेशन ऑफ मल्टी स्टेज डेटा अगर हमारे पास है तो हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सोचेंगे. अगर मुझे एक्सप्रेशन ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तब भी मेरे लिए ट्री बहुत जरूरी है. ट्री के साथ मैं ये एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ. अगर मुझे मैनिपुलेटेड डेटा जो सॉर्ट करना है उसके लिए भी मुझे, जैसे मैंने बोला था BST बाइनरी सर्च ट्री, BST है जो है वो मेन एप्लीकेशन है जिसके साथ हम सॉर्टेड डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं. और लास्ट वाला है राउटर एल्गोरिदम्स, जो एल्गोरिदम्स नेटवर्किंग में यूज होते हैं उनमें भी ट्री डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से यूज होता है. थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरा वीडियो देखा सुना. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए. अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज कमेंट करना ना भूलिए. अच्छा लगता है तो भी कमेंट करना ना भूलिए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन लिंक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. उसके साथ साथ मैं यहाँ पे इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ, और इस वीडियो सीरीज का प्लेलिस्ट भी मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ. तो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग. थैंक यू.